मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रतिदिन पौधारोपण के संकल्प को 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस उपलक्ष्य में मंगलवार को रविंद्र भवन में पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और वीडी शर्मा के साथ स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपा। इस पर्यावरण सम्मेलन में पर्यावरणविद अनिल प्रकाश जोशी सहित देश भर के जाने माने पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता भी पहुंचे। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पेड़ ही तो जीवन है, भारत का मूल मंत्र है कि विश्व का कल्याण हो। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने 19 फरवरी 2021 को नर्मदा जयंती के दिन अमरकंटक में प्रतिदिन पौधारोपण का संकल्प लिया था। उन्होंने इस जीवन मिशन के बनाकर पौधारोपण के संकल्प को जारी रखा। उनके साथ अब तक 2000 से अधिक लोग पौधारोपण कर चुके हैं। देख के मेरे पेड़ मत तोड़ना, पेड़ मत तोड़ना। कई पेड़ बहुत बड़े हो गए हमारे, कई पेड़ जिससे दुगने हो गए। सिंगल पूरे खड़ा हो। वृक्षारोपण एक जन आंदोलन के रूप में दोनों तटों पर व्यापक पैमाने पर होगा। 2 तारीख को वृक्ष हम लगाएंगे भी, लेकिन वृक्ष बचते नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि पेड़ लग तो जाते हैं, पेड़ की रक्षा कौन करेगा? पेड़ की रक्षा कौन करेगा? वृक्ष सेवक बना रहे हैं ये वृक्ष सेवक, इनको पेड़ आवंटित किए जाएंगे और ये उन पेड़ों की देखरेख करेंगे और उसके लिए आवश्यक संसाधन इनको दिए जाएंगे ताकि ये पेड़ खड़े रहें, पेड़ बड़े हो जाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने साल के ये घने जंगल देखे, मन आह्लादित और प्रसन्न हो गया। अरे यही तो साल के पेड़ है जो वर्षा जल अवशोषित करते हैं और बाद में बूंद बूंद करके इन्हीं पेड़ों की बूंदें नर्मदा मैया की धार बन जाती है। नर्मदा मैया की धार प्रबल होगी। इस साल 6 करोड़, पूरे प्रदेश में 12 करोड़, अगले साल 15 करोड़ पेड़ लगेंगे।